नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, ब्लाउज सिखाने का टेलरिंग गुरुकुल कोर्स का ऑनलाइन क्लास का आज पहला दिन है, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लाउज का मेजरमेंट लिखना जरूरी है। तो आपको हम बताते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइए। तो सबसे पहले आपको लंबाई ले लेना है, इसके बाद शोल्डर लेना है, आर्म होल लेना है, चेस्ट लेना है, कमर लेना है, आगे का गला, पीछे का गला, आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई। तो ये सब चीज़ आप नोट करते जाइए। तो हमने जो आप लोगों को मेजरमेंट बताए, आप लोग ने नोट कर लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम जब डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में कैसे लेते हैं मेजरमेंट, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा अपना लंबाई। तो लंबाई में हम 1 इंच प्लस करते हैं। जैसे कि आपकी लंबाई 13 इंच है तो उसमें आप 14 इंच लेंगे, और जिसका 14 इंच है तो 15 लेंगे। तो इस तरह से हम लंबाई लेते हैं, 1 इंच प्लस करते हैं। अब हम आते हैं शोल्डर। तो शोल्डर हम कैसे लेंगे, जैसे कि 28 का हुआ, 30 का हुआ, तो हम 5 इंच रखेंगे, मतलब इसका शोल्डर। अब चलते हैं, जैसे 32 का हो गया और 34 का हो गया, 36 का हो गया, तो 5.5 हम रखेंगे शोल्डर। 38 का, 40 का, 42 का, तो हम 6 इंच शोल्डर रखेंगे। तो इस तरफ से हम शोल्डर, जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर हम इस प्रकार से रखते हैं। अगर इसमें, अगर आप डीप गला बनाते हैं, अगर 10 इंच गले के नीचे आप जाते हैं, तो आपको शोल्डर है 5 इंच रखना है। तो 5 इंच रखेंगे तो आपका शोल्डर इसी पर रहेगा, गिरेगा नहीं, ब्रॉड होता है ना बैक साइड से, तो आपका गला नहीं गिरेगा। तो ये हम शोल्डर समझ लिए। अब हम देखते हैं आर्महोल। तो आर्महोल जो होता है, इसको जो गोलाई होती है आर्महोल की, इसको हम आर्महोल बोलते हैं। तो आर्महोल जो होता है आपका कितना है, राउंड मिंची टेप से आपको देख लेना है। अगर आपका 10 इंच आ रहा है तो उसका हाफ आएगा 5 इंच। तो 5 इंच में आपको देख लेना है राउंड में, इस तरह से इंची टेप जैसे यहाँ से लेना है आपको, इसे घुमाते हुए। फिर इसमें आपको क्या करना है, 2 इंच प्लस कर, मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे से अगर कम पड़ रहा है तो आप नीचे से और आर्महोल बढ़ा सकते हैं। आर्महोल कैसे लेते हैं हम, जैसे कि अगर 30-32 का हुआ तो 5 इंच रखते हैं, अगर 40 का चेस्ट हुआ तो हम 6 इंच रखते हैं। तो इस प्रकार से आर्महोल रखा जाता है, जिसका जो भी साइज रहेगा, तो आर्महोल का जो आर्महोल होता है उसका हाफ लेके उसमें 2 इंच प्लस कर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम राउंड लेते हैं। तो अभी हम आपको डायग्राम में भी बताएंगे आर्महोल, ठीक है। अब चलते हैं हम चेस्ट की तरफ। तो 40 इंच का हमारा चेस्ट है, तो हम 40 का डायग्राम आपको बता रहे हैं। तो 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। तो आप लोग का जैसा भी डायग्राम है, मतलब चेस्ट है, उसका आपको 1/4 रखना है। जैसे कि अगर आपका 34 का चेस्ट है तो 1/4 8.5 आएगा, अगर 32 का है तो 1/4 8 इंच आएगा, अगर 30 इंच का है 1/4 7.5 आएगा। तो ये हम मेजरमेंट बता रहे हैं, इसके आगे आपको 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन आप बढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसा चेस्ट लेते हैं। तो इस प्रकार से अब देखेंगे कमर। तो कमर में भी हमको चौथा भाग करना है। चौथा भाग में आपको जैसे हमने लिया चेस्ट का, वैसे आपको चौथा भाग लेके 2 इंच प्लस करना है। तो हम कमर इस प्रकार से लेते हैं चौथा भाग करके। अब हम चलते हैं गला। तो ये देखिए, गला जो होता है, आगे का गला पहले हम देखेंगे। तो यहाँ से हम गला लेते हैं, मेजरमेंट आपको यहाँ से लेना है शोल्डर के तरफ से, और लेके आना है लंबाई, यहाँ से देखने का आपका गला कितना आपको चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे, सबका एक साइज का तो आता नहीं, हाइट के ऊपर रहता है। तो आप 5 इंच जिसको चाहिए तो 5.5 लेंगे, अगर आपको 6 इंच तैयार गला चाहिए 6.5 रखना है, अगर 6.5 चाहिए तो 7 रखना है। तो ये 0.5 इंच आपको बढ़ाना है, क्योंकि 0.5 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। अब हम पीछे का गला देखेंगे। पीछे का गला में क्या करना है आपको, जैसे अगर हम 10 इंच का गला तैयार रखते हैं तो सेम जैसे आगे का गला हमने लिए, वैसे पीछे का भी लेना है, 0.5 इंच प्लस करना है, बढ़ाना है, वो अपना शोल्डर में जाएगा। तो जैसे जिसको गला रखना है आप उस प्रकार से रख सकते हैं। तो अगर आपका गला, अगर ब्रॉड बना रहे हैं तो ध्यान देना, इसमें अगर हम ब्रॉड 10 इंच के अगर नीचे हमारा गला आता है तो आपको शोल्डर 5 इंच रखना है।
तो 5 इंच रखेंगे, सबके लिए 40 का है, 38 का, 34 का, सबके लिए। अगर ब्रॉड गला बना रहे हैं 10 इंची नीचे अगर आपका जा रहा है गला, तो आपको 5 इंच शोल्डर रखना है। तो हम समझ लिए पीछे का गला। अब हम देखेंगे जो हम लंबाई लेते हैं आस्तीन का, तो आस्तीन की लंबाई में अगर आपको 4 इंच तैयार चाहिए तो 1 इंच आपको मार्जिन देना है, बढ़ाना है, तो 5 इंच लेना है। तो अगर आपका जैसे अस्तर का ब्लाउज हुआ तो उसमें आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है, तो आधा इंच आपका यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जब हम ज्वाइंट करते हैं आधा इंच हमारा यहाँ पर अस्तर जब हम पल्टी करेंगे। तो इस प्रकार से अगर बिना अस्तर का है तो आपको 2 इंच फोल्ड कर लेना है, आधा इंच आपका यहाँ पर जाएगा, 1.5 इंच आप फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की लंबाई हो गई, ठीक है। आप देखेंगे ये जो दंड घेर बोलते हैं हम इसको, जो आपको घेर बोलते हैं, तो इस कैसे लेना है, तो आपको इस यहाँ से इंची टेप घुमा लेना है। जैसे अगर आपका दंड घेर जो है, इसको दंड घेर बोलते हैं, हाथ की गोलाई बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं अपने भाषा में, तो जैसे अगर आपका 10 इंच है तो उसका हाफ आएगा 5 इंच, 5 इंच आएगा, फिर उसमें हमको 2+ करना है, तो 2+ करके लेना है। अगर 10 है 5 आया तो 6 7, 7 इंच में हम कटिंग करेंगे। इसी प्रकार अगर आपका 14 इंच की गोलाई है तो हाफ आएगा 7 इंच, आपको 2 इंच प्लस करना है। तो जिसका जो भी साइज है, ये जो दंड के हम बता रहे हैं, इसका हाफ करके आपको 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो अब चलिए हम डायग्राम देख लेते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों आज पहला दिन है तो हम डायग्राम बना रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे 40 इंच का 1 टक्स ब्लाउज। तो 1 टक्स ब्लाउज का हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो 40 इंच का जो हमारा ये चेस्ट है, तो लंबाई इसमें आएगा 14, तो 14 में हम 1+ करेंगे, 15 इंच लेंगे। तो लंबाई इस प्रकार से हम लेंगे। अब आता है शोल्डर, तो 40 का बता रहे हैं हम, उसको ध्यान देना है आपको। तो 40 में शोल्डर आएगा आपका 6 इंच आएगा। अब आता है आर्मोर, तो आर्मोर आपको लेना है 6 इंच लेना है। अब चेस्ट है हमारा 40 इंच, तो 40 का 1/4 आएगा, 10 इंच आएगा, तो 10 में आपको 2+ करना है। आएगा भी कमर, कमर है हमारा 34 का, 34 का 1/4 आएगा 8.5, 8.5 में आपको 2+ करना है। अब आता है आगे का गला, तो आगे गला हमारा 6.5 पे तैयार है, 6.5 है, तो आपको 7 लेना है। तो आपको बताएं जैसे आप जैसे हाइट रहे उसी हिसाब से आपको गला लेना है, सिर्फ आपको आधा इंच प्लस करना है जो भी आपका साइज रहेगा। तो ये गला हो गया। पीछे का गला सेम वैसे है, अगर 10 इंच आपको तैयार चाहिए तो आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है। तो गला हम रखेंगे 10 है तो 10.5 लेंगे। अब आएगा आस्तीन की लंबाई, तो लंबाई जो होता है ये लंबाई हम इसको बोलते हैं, हम आपको बताएं, तो लंबाई में आपको 1 इंच प्लस करना है। अब आते हैं आस्तीन की गोलाई, आस्तीन की गोलाई जो होती है इस प्रकार से, तो उसका हाफ लेना है, हाफ में 2 मिलाना है, 2 इंच। तो समझो आस्तीन की लंबाई 40 का चेस्ट है, आस्तीन की लंबाई गोलाई आएगी 7 इंच आएगा, 14 है तो उसका हाफ 7 आएगा, तो 7 में आपको 2 मार्जिन देना है, 9 इंच लेना है। तो इस प्रकार से हो गया आस्तीन की गोलाई। तो अब चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट का डायग्राम बनाएंगे। ये फ्रंट हो गया। अब यहाँ से हम सबसे पहले लंबाई लेंगे, तो लंबाई हमारा जो है 14 तैयार है, हम 40 का बना रहे हैं, तो 14 में हम यहाँ से लाइन को 15 लेंगे। तो आपका जो भी साइज है आपको 1 इंच मार्जिन देना है। तो ये लंबाई 40 का है तो 14 में हम प्लस 1 करेंगे, बराबर आएगा 15 इंच, तो 15 इंच आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर चलते हैं, तो यहाँ से आपको शोल्डर रखना है 6 इंच रखना है, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। आर्मोल जो है, अब शोल्डर हम आपको बता दें, आप लोग का जो भी साइज है हमने आपको बताया था, 28 है, 30 है तो 5 रखिए, और 32 34 है तो 5.5 रखिए, 38 40 42 का है तो 6 रखिए। तो इस प्रकार से जैसा जिसका साइज रहेगा उस प्रकार से शोल्डर लिया जाता है। अब हम चलते हैं आर्म होल, तो इसका जो है आर्म होल जो है यहाँ से 6 इंच आएगा इस प्रकार से, तो यहाँ से 6 आएगा। तो आपको आपका जो भी साइज है तो इसके कम ज़्यादा रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्म होल हम बता रहे हैं अभी, चेस्ट का लगा दे लाइन, तो यहाँ से हमारा आएगा चेस्ट, तो चेस्ट हमारा 40 इंच का है, तो यहाँ से समझो 40 इंच आया, तो यहाँ पे हमारा 40 का यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं,
चेस्ट हमारा 40 का है, तो 40 का 1/4 आएगा 10 इंच, तो 10 में हम 2 प्लस करेंगे तो आएगा 12 इंच। तो आपको इस प्रकार से जो चेस्ट है मेजरमेंट, इस प्रकार से आपको लेना, जो भी आपका साइज है उसका 1/4 लेना है, 1/4 लेके आपको 2 इंच मिलाना है। तो ये हम चेस्ट का समझ लिए। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे, इस प्रकार से आपको सीधा कर देना है और यहाँ से मिला देना है। तो हमारा मिल गया। अब यहाँ पे आएगा हमारा कमर, तो कमर जो है हमारा 34 इंच का है, 34 का 1/4 आएगा 8.5, तो कमर हमारा यहाँ पे 34, 34 का 1/4 आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 में आपको 2 प्लस करना है तो आएगा 10.5 आएगा, तो 10.5 आएगा। तो हम कमर का मेजरमेंट इस प्रकार करते हैं, आपका जो भी कमर का साइज रहेगा आपको चौथा भाग लेके 2 प्लस करना है। तो ये हम कमर का मेजरमेंट देख लिए। अब चलते हैं आर्म होल। तो यहाँ से आर्म होल जो है यहाँ पे ये लंबाई हम यहाँ से 6 इंच लिए हैं। तो ये फ्रंट साइड का है, तो फ्रंट साइड में आपको 1 इंच का देना है गोलाई। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से राउंड शेप दे देना है। तो आप बोलते हैं हम आर्म होल कितना लें, तो आपको कैसे लेना है, जो ये हाथ की गोलाई होती है उसका आपको हाफ लेके 2 इंच मिलाना है। अभी जैसे हमने ये 40 इंच का चेस्ट है, तो 40 का यहाँ पे आएगा जो गोलाई है 18 इंच है इसकी गोलाई, तो यहाँ से 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे आपको आधा इंच जाएगा शोल्डर में, तो यहाँ से देखना है आपका 9 इंच कहाँ पे आ रहा है, तो 9 इंच आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 9 इंच यहाँ पे आया, तो 9 इंच में आपको 2 इंच मार्जिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो इस प्रकार से आपको लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये हमने 40 का 1/4 10 लिया, 10 में 2 प्लस के 12, तो ये समझिए हमारा ये 10 इंच यहाँ पे आ रहा है, और ये 2 इंच आपकी मार्जिन बच रहे हैं। तो राउंड जो होता है ये आपका शोल्डर का, ये आर्म होल का यहाँ तक आना चाहिए चेस्ट का। तो इस प्रकार से हाथ की जो गोलाई थी, अगर आपका जो राउंड है अगर जितना है हाफ में अगर आपका कम पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको और बढ़ा लेना है, 6.5 इंच कर लेना है। अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आपको 5.5 कर लेना है, तो ऊपर की तरफ आपको जाना है। तो इस प्रकार से हम आर्म होल की गोलाई लेते हैं। तो ये हम आर्म होल समझ लिए। अब हम चलते हैं गला। तो गला आपको यहाँ पे रखना है 2.5 इंच, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे ये गला। तो यहाँ से लंबाई जो है, ये गला जो की लंबाई जो होता है आपके पसंद अनुसार हमने आपको बताया, इसमें आपको 0.5 इंच मिलाना है। तो जैसे अगर हमको 6.5 चाहिए तो 7 लेना है आपको, तो इसमें आपको 0.5 इंच मिलाना है, प्लस करना है। 6 तैयार चाहिए तो 6.5 लेना है। तो हम ले रहे हैं यहाँ से 6.5 हमको तैयार चाहिए, तो यहाँ से हम 7 लेंगे। तो ये सबका सेम नहीं होता है। तो ये जो यहाँ से जो लेते हैं गला, तो यहाँ से हाइट के ऊपर रहता है, तो सबका कम ज़्यादा रहता है। तो आपको यहाँ से 0.5 इंच आपको लेना है बढ़ा के। तो हो गया। अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो वन टक्स ब्लाउज है, तो इसमें आपको कैसे लेना है, अब देखिए ये हो गया हमारा कमर, कमर का 1/4 आया 8.5, तो 8.5 का आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे आएगा 4.25 इंच आएगा, तो यहाँ से 4.25 इंच गले की तरफ से लेना है, और यहाँ से 5 इंच लेना है। तो यहाँ से 1-1 इंच का टक्स लगेगा आपका। तो यहाँ से ये जो लंबाई गया यहाँ पे आएगा 5 इंच ये लंबाई, और यहाँ से हमने 1-1 इंच लिया, 1 इंच आपको इस तरफ से लेना है और 1 इंच यहाँ से लेना है। तो ये देखिए हमारा टक्स इस तरह से लगा, लेकिन जब हमने मार्जिन यहाँ पे 2 इंच रखे हैं, अगर 1-1 इंच का टक्स लगाएंगे तो हमारा कम पड़ जाएगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ से 2 इंच मार्जिन बढ़ा लेना है, और नहीं तो एक आइडिया और है, 2 आइडिया इसमें है। 1 इंच आप यहाँ से गले की तरफ से बढ़ाना है, यहाँ से लेंगे और यहाँ से आप इस प्रकार से क्रॉस में ले लेंगे। ये देखिए आपको यहाँ से गले की तरफ से 1 इंच बढ़ा लेना है, और 1 इंच आप यहाँ से बढ़ा लेंगे इस प्रकार से यहाँ पे।
तो नहीं अगर आपको जम रहा है तो यहाँ पर अगर आप 1 इंच नहीं बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आप 2 इंच ले लीजिए, तो दोनों सेम ही आता है। तो इस प्रकार से वन टक्स ब्लाउज का टक्स लगता है। अब हम आपको बैक साइड का बताते हैं। अब हम देख रहे हैं बैक साइड का, तो यहाँ पे हम बैक लिख देंगे। तो बैक साइड के लिए सेम इसी तरह मेजरमेंट आपको लेना है। लंबाई जो है हमारा इसी तरह आएगा, 14 में एक प्लस करेंगे 15 इंच लेंगे। अब यहाँ से हमारा आएगा ये शोल्डर, तो शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच रखेंगे। तो सेम डायग्राम आपको ऐसे बना लेना है। अब यहाँ से आर्मोल आएगा, तो आर्मोल भी हम 6 इंच रखेंगे। अब यहाँ से इसको हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन दिया था फ्रंट साइड में, अब इसमें आपको 1.5 इंच देना है। तो 1.5 इंच का इस तरफ से आपको गोलाई दे देना है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रंट साइड में 1 इंच, हम यहाँ पे 1 इंच नहीं लिखे थे, हम यहाँ पे 1 इंच लेते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे 1.5 इंच। यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे। अब यहाँ पे इसका क्या होता है बैक साइड का गला, तो यहाँ से गला हम रखेंगे 10.5, हमको 10 तैयार चाहिए तो 10.5 लेंगे। तो यहाँ से 10.5 और यहाँ से हम रखेंगे 3 इंच, यहाँ से आपको रखना है 2.5 इंच। जैसे हमने यहाँ पे 2.5 लिया, यहाँ पे 2.5 लेना है और यहाँ पे आपको 3 लेना है। तो इसको हम इस तरफ से थोड़ा क्रॉस में लाएंगे, इसमें मिला देंगे। अब इसको हम इस प्रकार से गोलाई दे देंगे। अब इसका टक्स कैसे लगाएंगे हम, अब इसमें 34 का टक्स था हमारा, इसमें भी आएगा 34 का कमर, तो इसमें टक्स लगाएंगे 1 इंच हम छोड़ देंगे। यहाँ से जब बैक साइड का हम जब टक्स लगाते हैं तो 1 इंच छोड़ के आप रखेंगे 34 का 1/4 आएगा 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये 2 इंच मार्जिन बच रहा है हमारा, तो ये 8.5 इंच यहाँ पे आया, हम ये लाइन को इस प्रकार से सीधा कर देंगे, ये देखिए। तो यहाँ से हमारा कमर का 34 का 1/4 18.5 है। अब ये 2 इंच मार्जिन बच रहा है। अब 1 इंच जो हम छोड़े थे यहाँ पे टक्स के लिए छोड़े थे, तो यहाँ से हमने कमर का चौथा भाग लिया। अब क्या करेंगे, 8.5 में 1 इंच हम मिला देंगे, तो यहाँ से टक्स लेंगे तो 9.25 इंच हो गया, 8.5 था तो 8.5 में हम 1 इंच मिला देंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। तो 9.5 में इसका आपको हाफ कर लेना है, 9.5 का हाफ होगा 4.25 इंच होगा। तो 4.25 इंच में हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम इस प्रकार से यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे जो हम 1 इंच लिए थे टक्स के लिए, आपको आधा आधा इंच इसमें देना है टक्स के लिए, आपको यहाँ ज़्यादा लेना है या यहाँ से कम कर देना है। तो ये टक्स हम इस प्रकार से लगाते हैं, और यहाँ पे हमने बता दिया आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है ये गला। जब आप कोई भी गला बनाएंगे, जैसे फ्रंट साइड में आपको आधा इंच बढ़ाना है, शोल्डर में जाता है और आधा इंच इसमें भी बढ़ाना है, तो इस प्रकार से हमने बैक साइड का देख लिए। तो फ्रंट समझ लिए, बैक समझ लिए, अब हम आपको स्लीव्स बताएंगे। तो सबसे पहले होता है चेस्ट का चौथा भाग लिया जाता है। तो चेस्ट का चौथा भाग जो होता है लंबाई आती है इस प्रकार से, तो लंबाई चेस्ट का चौथा भाग आएगा 10 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 10 इंच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आएगा ये लंबाई, जो हम लंबाई पहनते हैं पर्सन अनुसार। तो अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है आपको 1 इंच लेना है, बिना अस्तर का है तो 2 इंच लेना है। तो यहाँ से तो ये लाइन को हम इसको बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से। तो आप ये समझ गए, यहाँ पे अगर आपका अस्तर का है तो 1 इंच, अगर बिना अस्तर का है तो 2 इंच लेना है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमारा आता है दंड घेर। क्या आता है, दंड घेर, जो गोलाई हम बोलते हैं। तो यहाँ से 40 का हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 7 इंच आएगा, मतलब 14 इंच है, 14 का हाफ 7 आएगा, जो गोलाई होता है 14 तो उसका हाफ 7 इंच आएगा। तो आप 7 में 2 प्लस करेंगे 9 इंच लेंगे ये गोलाई। तो 7 इंच हमारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन दे दिए, ये देखिए। अब यहाँ से 2.5 इंच लेना है आपको इस तरफ से, तो 2.5 इंच लेके आपको इसमें मिला देना है इस प्रकार से।
अब इस प्रकार से हमने मिला दिए। अब यहाँ से फ्रंट साइड के लिए आपको आधा आधा इंच का शेप दे देना है इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारा जो है 7 इंच इसमें आएगा और ये जो हमने 2 इंच लिए थे इस प्रकार से आएगा, ये क्रॉस में आएगा तो यहाँ आपको 2 इंच मार्जिन मिलेगा। तो ये हो गया आस्तीन। तो आज के वीडियो में हमने सीखा वन टक्स ब्लाउज। तो ये देखिए फ्रंट साइड का हो गया, बैक साइड का और आस्तीन। तो हमने ये तीनों डायग्राम अच्छे से समझ लिए। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसका हम आंसर आपको दे देंगे कमेंट में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जिन बहनों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिन बहनों को ज़रूरत है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो आपको 2 दिन बच रहा है तो आप 2 दिन में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में शुक्रवार को हम मिलेंगे, इसका हम कपड़े पे कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को आप प्रैक्टिस कीजिए और एक आप नोटबुक बना लीजिए। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप उसमें एक बार अगर लिखे रहेंगे, कभी आप भूल गए अगर देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आप वीडियो देखते हैं तो बोलते हैं हमको आ जाएगा, जब हम बनाने चलते हैं डायग्राम तो भूल जाते हैं कि हमको कहाँ पे कितना इंच रखना है। आपको अलग अलग साइज का सब बताया जाएगा, कैसे कहाँ पर लेना है। तो नोट्स बनाना ज़रूरी है आपको, तो ये नोट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।